आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीठे चावल की रेसिपी, जिसको स्वीट राइस भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं, जब आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो। आप इसको 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास बासमती चावल। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले हम इसको पानी डालकर अच्छे से वॉश करेंगे। इसको हम इस तरह से 2 से 3 बार पानी डालकर अच्छे से वॉश करेंगे। और ये देखिए, मैंने अच्छे से वॉश करके चावल रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिए ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने लिए थोड़े से बादाम, किशमिश, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 छोटी इलायची और 2 चम्मच मैंने लिए मीठी सौंफ के। साथ में मैंने लिए नारियल और इसके साथ मैंने लिए 1 कटोरी चीनी की। इसे हम कुकर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए कुकर। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। हमारा देसी घी थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मीठी सौंफ, लौंग, इलायची और साथ में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डाल सकते हैं। आप इसको बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बासमती चावल। यहाँ पे मैंने 1 गिलास डाला है बासमती चावल का। अब इसे हम इसमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हल्दी की। आप हल्दी की जगह इसमें कोई सा भी फूड कलर डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे फूड कलर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी डाल ली है। फिर इसे हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पे मैंने 1 गिलास बासमती चावल डाला है और अब इसमें हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी और साथ में हम ऐड करेंगे 1 कटोरी चीनी। अब हम इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम कुकर को बंद करेंगे और 2 से 3 सीटी आने देंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखना है। कुकर को 2 सीटी आ गई है। अब हम कुकर को खोलेंगे और ये देखिए, हमारे चावल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे बाउल में। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा इसका कलर आया है और कितने ही खिले खिले हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।